तो गाइस देखो, अब हम इसमें सुई लगाने वाले हैं। तो गाइस देखो, जब हम ये सुई लगाएंगे तो गज के ऐसे ऊपर टच करके लगाएंगे गाइस, ऐसे टच करके ऊपर तक। उसके बाद में इसे चुटकी को टाइट कर देंगे। तो देखो, मैं आप सुई लगाना बताता हूँ आपको। तो गाइस जब हम ऐसे मशीन रख लेंगे ना गाइस, तो हम लिंक ऊपर रखेंगे गाइस। ये लिंक हमारा ऐसे देखो, कंडीशन देख लो, ये हमारी ऊपर होना चाहिए लिंक। ये गज ऊपर होगा यहाँ पर, ये लिंक ऐसे ऊपर होगा। अब हम सुई लगाएंगे। और गाइस देखो, सुई के अंदर एक गड्ढा होता है ये वाला, है ना। तो ये गड्ढा हमारी तरफ होगा, यानी अगर हम जब ऐसे सुई लगाएंगे तो ये गड्ढा हमारी तरफ होगा। तो गाइस देख लिया आपने, गड्ढा है इसका हमारी तरफ होगा। जो सुई के अंदर एक नाली सी होती है वो हमारी तरफ होगी, जैसा हम लगा रहे हैं हमारी मुंह की तरफ होगी, यानी सामने की तरफ होगी इस साइड में। और फिर हम गाइस इसका फुल पेस्ट टाइट कर देंगे। अब गाइस हम इसकी लाइन सीधी करेंगे। हमारी जब सुई लगती है ना नए गज के अंदर, तो हमारी जो है ना लाइन टेढ़ी होती है सुई की। तो गाइस ऐसे तो देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने इसे लगाया है। अब देखना सुई हमारी इस पट्टी किधर को जा रही है, देखना। ये देखो गाइस, इधर हमारी पटरी, इधर को सर की हमारी पटरी, इधर को सर की इधर को, है ना। देखो दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने पट्टी टच कर दिया, यानी मैंने पट्टी, देखो मैंने पट्टी ये इधर इधर ऐसे ऐसे होती है ना, तो मैंने इधर को कर दिया, इसे टच कर दिया, यानी इधर की साइड में मैंने सुई से मिला कर रख दिए। अब देखो गाइस, मैं ना सुई नीचे करूँगा तो देखना पट्टी किधर को जाएगी। ये देखो सर की नहीं सक रही, देखो पटरी अब इधर सरक गई। देखो मैं दोबारा सुई उठाऊँगा, और दोबारा उठाने के बाद फिर आप बताना कि मैं किधर को सर जा रही है। ये देखो इधर को सरकी है ना, यानी कि इधर को सरकी, इधर की साइड में हमारी पट्टी सरकी जब सुई नीचे गई, और मैंने इधर को खींच के फिर दोबारा ये देखो लगा दिए। अब देखना गाइस दोबारा से, ये देखो फिर गई इधर को, है ना। तो हल्की सी हमारी जो सुई है इधर की इस साइड में भाग रही है, हल्की सी सुई हमारी इस साइड में भाग रही है, यानी कि ऐसे चल दिए गए ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको सही अब लाइन सीधी करके बताता हूँ आपको। तो गाइस जब हमारी सुई ऐसे जा रही है इधर को अंदर को, तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो ये सब हमारा लिंक ऊपर रहेगा, और हम जो है ना पेचकस उठाएंगे और इसको यहाँ पे, यानी इस चुटकी के हल्के से नीचे। अगर ऐसे पेचकस से क्या है, थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इस पे ना चुटकी पे ऐसे हम इस चुटकी पे जो ना हल्की सी हथौड़ी मारेंगे, यानी अगर ज़्यादा जगह होती तो हम जोर से चोट मारते, और हल्की सी ये इसमें यानी हल्की सी ये इधर को भाग रही है, तो हम हल्की सी चोट मार के चेक करेंगे पहले ऐसे करके। तो गाइस देखो, मैं दोबारा देख रहा हूँ, देखो ये इधर की ठीक हो गई। अब हम अभी क्या, हमने लेफ्ट और राइट की देखी है, अभी क्या हम इसकी दो तरफ से होती है लाइन सीधी की, एक इधर, तो गाइस इधर से और देखनी है हमें। तो गाइस देखो, इधर की तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये पटरी, अगर ये सुई इधर को भागती इस साइड में, तो गाइस ये देखो जिस साइड में जैसे सुई हमारी इधर भाग रही है, तो गाइस हमें फिर इधर से चोट लग माननी है इसके अंदर, जिधर को सुई भागेगी उधर को हम चोट मारेंगे गाइस, ठीक है। और अगर ये सुई अगर हमारी इस साइड में भागती, तो हम क्या करेंगे गाइस, ऐसे ये ब्रैकेट ऊपर उठा के, और ऐसे चुटकी के ऊपर ये देखो गाइस, ऐसे करके चुटकी के ऊपर हमने चाबी लगा लेनी है। और देखो गज हमारा ऊपर ही रहेगा, जब भी हम चोट मारेंगे तो गज हमारा ऊपर रहेगा, यानी लिंक हमारा ऊपर रहेगा, और हम ऐसे करके चोट मारेंगे अगर ये इधर को भागेगी जब, ठीक है गाइस। क्योंकि इसमें तो सीधी आई है, अगर इधर को टेढ़ी होती तो मैं फिर अगली मशीन में बताऊंगा, लेकिन गाइस आप टेंशन मत लो, मैं छोटे छोटे और पार्ट छोटी 10-10 मिनट की वीडियो डालता रहूँगा, जो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसका। तो गाइस इधर की तो ठीक है, ठीक है, ये देखो इधर की तो ठीक है। और गाइस ये लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ना तो इधर भागे ना इधर भागे, ठीक है। ऐसे ही गाइस इधर की साइड में ऐसे भी, इधर की भी ऐसी होनी चाहिए एकदम फिक्स, ना इधर को भागे ना इधर को भागे, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी सुई, ठीक है गाइस। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो, अब जैसे हमारी लाइन सीधी है, तो हम क्या करेंगे गाइस, हम लेंगे शटल, और शटल लेके इसका मिलान करेंगे गाइस। देखो हम मिलान, देखो सर गाइस, इसके अंदर बड़ी रोड डालेंगे पहले, फिर उसके बाद में शटल के पेच खोल लेंगे, और फिर शटल लगा के मिलान करेंगे, यानी कि
हमारी जो सुई शटल की नोक है उससे थोड़ी सी पीछे रहनी चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अभी ये सुई हमारी शटल में, शटल की नोक में सुई लग रही है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको हल्का सा ब्रश से ना ऐसे इस कोली, ऐसी कोली ले लेना आप, ऐसे करके ऐसे हल्का सा नीचे मारेंगे इसके अंदर। गाइस देखो ये जो ना सुई, ये सुई हमारी शटल की नोक से हल्की सी दूर, मतलब इतनी दूर रहनी चाहिए कि इसमें लगे ना, ठीक है गाइस। इतनी दूर नोक है बिल्कुल, मतलब जंप मार रही है, जंप नहीं मारनी चाहिए इसमें, इतनी दूर रखने के हल्की सी लगे ना और हल्की सी पीछे हो बस, ठीक है गाइस। अब देखो इसका हमने शटल का मिलान कर लिया, यानी कि सुई का मिलान तो हमने कर लिया। अब गाइस हमें सुई कितनी नीचे रखनी है, तो शटल की देखो गाइस, ये जो ना जब लिंक हमारा नीचे आ जाएगा पूरी तरीके से, तो हमारी सुई का जो सुराख है ना शटल का, तो गाइस देखो आप देख सकते हो अब जो है मुझे ये देखो यहाँ से पेच खोलना है स्टड का, और मैं शटल के अंदर ये सुराख इसका बाहर निकालना गाइस। देखो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सुराख बाहर निकलेगा इसका, थोड़ा सा और नीचे रखेंगे हम, बिल्कुल सुराख बाहर निकलेगा गाइस इस शटल के अंदर से। हमें सुई का मिलान इतना रखना है इससे, और हमारा लिंक बिल्कुल नीचे रहना चाहिए। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा सुई कितनी, देखो गाइस आपको समझ में आ गया होगा सुई हमारी कितनी नीचे आनी चाहिए शटल के अंदर। तो गाइस नया शटल हो या पुराना हो, आपको सुई इतनी नीचे रखनी है, पूरा सुराख इसका निकालना कटोरी के अंदर से। ये देखो गाइस आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो तो मैंने आपको दिखा दिया गाइस। जब हम ये सुराख नीचे करेंगे इसका सुई का, तो गाइस हमारा जो शटल है, हमारे जो लिंक है, ये हमारा ये हो गया लिंक गाइस, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये हमारा जो लिंक है ना, ये नीचे होना चाहिए ऐसे, ये जो ना नीचे होना चाहिए हमारा स्टड, जब हम शटल का जब सुई नीचे निकालेंगे तो हमारा ये स्टड नीचे होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब आगे बताते हैं, तो गाइस जब हम शटल का मिलान कर लेंगे तो एक बार फिर और चेक करेंगे सुई को सर, क्योंकि गाइस शटल का मिलान करने के बाद में ना सुई कुछ और बताती है लाइन उसकी। तो मैंने चेक करा था गाइस बिल्कुल ठीक है, ठीक है 19-20 का जो फ़र्क था मैंने इसका निकाल दिया है, और ये बिल्कुल ठीक है, इधर से ये ना इधर भाग रही है ना इधर भाग रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है ऐसे, ठीक है। और मैंने ऐसे चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, एकदम स्ट्रेट चल रही है, जैसे जा रही है नीचे को ऐसे ऊपर को आ रही है। तो गाइस हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसका सुराख करेंगे पटरी का, अब पटरी बांध देते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो अब हमने पटरी के दोनों पेज टाइट कर दिए हैं, और हमारी सुई बीच में आ रही है गाइस, ये बीच में ही आनी चाहिए, पटरी के बीच में आनी चाहिए। अगर गाइस 19-20 अगर इधर इधर हैं तो हम क्या करेंगे, अगर इधर जाते हैं तो हम पट्टी से इधर सरका के सब बीच में सुराख लेके आएंगे, अगर इधर जाते हैं तो हम गाइस हम ऐसे पेचकस से मार के इसको बीच में लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं इसका निशान लगाता हूँ, अब गाइस मैं इसमें सुराख करके लगाता हूँ दोबारा। तो गाइस देखो आप देख सकते हो गाइस, ये है ना इसका सेंटर पंच है, और मैं इसे इसमें हल्का सा निशान मारूँ, मैंने सुई से इस पर निशान मार लिया था, तो इस पर सेंटर मंच से इसे थोड़ा सा मोटा करेंगे और फिर ड्रिल से इसका सुराख करेंगे। तो भाई आप देख सकते हो मैं ये ड्रिल है इसकी, और मैं इसका सुराख कर रहा हूँ। और गाइज इसके अंदर जब हमने सुराख कर दिया है, तो हम इसके ऐसे ऐसे बर्मे से ऐसे ड्रिल से हम इसे थोड़ी थोड़ी गुर्जक कर देंगे गाइज इसके अंदर, जिससे खराश किसकी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज देखो मेरे पास ये वाला सिस्टम था, तो मैं ऐसे ना इसकी गुर्जक कर रहा हूँ इसके हल्के हल्के ऐसे, ठीक है गाइज। और आप हाथ से भी कर सकते हो गाइज, मैंने ये सिस्टम बना रखा है, तो देखो ये आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल गोल हो गई है गुर्जक, और बिल्कुल चिकनी हो गई है गाइज ये, ठीक है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हल्की से बांध के ऐसे हल्का सा बांध देंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बांध देंगे, जिससे हमारे पट्टी पर निशान ना है गाइज। इसके अंदर हम धागा लगाएंगे, अब ये धागा इसलिए लगा रहे हैं गाइज, जो मशीन धागा काटती है ना, तो पटरी की खराश की वजह से भी धागा काटती है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस धागे इसमें इससे ब्रश उसे इस धागे के अंदर लगा के, और इसे है ना जो भी खराश होगी इसके 19-20 गाइज देखो ऐसे करके हमें काटनी है, ऐसे पटरी के अंदर कभी नीचे करेंगे ऐसे, ठीक है गाइज, कभी ऊपर करेंगे। तो प्लास्टिक का धागा होना चाहिए गाइज, ये चार तरफ घुमाएंगे गाइज इसके अंदर है ना, बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश आ जाएगी। देखो गाइज ऐसे 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 हमें ये पट्टी के अंदर धागा लगाना, तो
तो ये समझ लो मशीन जो धागा काटती है ना, पटरी की खराश की वजह से भी मशीन के अंदर धागा कटता है। तो गाइस हम इस तरीके से इसमें धागा लगा लेंगे बढ़िया करके, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने ये पटरी लगा दी इसके अंदर, और देखो इस हमारी जो सुई है ना बिल्कुल इसके बीच में जा रही है गाइस, देखो है ना बीच में जा रही है सुई। तो गाइस हमें बिल्कुल ऐसे ही सुराख करना है, हमारी सुई जो है ना बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सुराख करा हमने आउटसाइड आउट कर दिया तो हमारी लाइन फिर हमारी सुई बीच में नहीं आएगी गाइस। तो इस तरीके से ध्यान रखना, हमारा सुराख बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो गाइस जैसे हमने ये बीच में सुराख करा ठीक है, इसी तरीके से हमने पट्टी के अंदर जो धागा लगाया था ना, इसी तरीके से गाइस हमारे इस कुंडी का जो सुराख है ना इसमें भी हम धागा लगाएंगे। गाइस हमारी मशीन जो धागा काटती है ना वो इस जो पट्टी की कुंडी है ना, कुंडी का सुराख, तो गाइस इस सुराख की वजह से भी हमारी जो है ना कुंडी धागा काटती है, इसके अंदर खराश होती है। देखो गाइस ऐसे करके हम इसमें धागा लगा के पॉलिश करेंगे रेगमाल से, ओ बिरासू से। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी मशीन धागा काट रही हो तो आप क्या करोगे इसमें धागा लगा सकते हैं, इसमें बिरासू का मकाला मसाला लेके, तो आप बिरासू ना हो तो सरसों का तेल लेके भी आप इसके अंदर पॉलिश कर सकते हैं गाइस। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सरसों का तेल ऐसे लगा लेना ऐसे, ठीक है ये देखो। तो गाइस इसके अंदर जो है ना पॉलिश होनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा धागा ना यहीं से ही निकलता है, और गाइस ये मशीन करीबन 5-6 जगह से धागा काटती है। तो मैं जैसे जैसे मशीन आगे काम होता रहेगा ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा। एक बार देखो मैंने वो मत्थे पर बताया था रेगमाल लगा के, वहाँ से भी धागा काटती है मशीन, ठीक है। देखो पटरी होगा कुंडी होगी, अब गाइस देखो ये जो है ना हमारा टेंशन, इस टेंशन के अंदर से भी धागा निकलता है। तो गाइस हम जो है ना इस टेंशन के अंदर भी ये पॉलिश करेंगे। गाइस जब हम टेंशन के अंदर करेंगे तो नट खोल लेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो थाली है ना इसके अंदर की वो दूर दूर रहेंगी। अगर हमने कस के कसे हुए टेंशन पर अगर धागा लगा दिया तो गाइस हमारा जो ना थालियों के अंदर भी निशान आ जाएगा, और धागा है ना फिर पकड़ नहीं पाएगा, थाली के निशान के अंदर धागा चलेगा हमारा। तो गाइस ऐसे करके इसमें धागा लगता है, ठीक है। अब गाइस हम करेंगे इसका पैर का सेट, पैर का बोले तो इसका पैर सेट करेंगे गाइस। हम देखो पैर लगाएंगे इसके अंदर, ये देखो हमें पेच लगा दिया, ठीक है भाई। देखो जब भी हम इसे कसेंगे ना पैर को तो हमारी सुई ऊपर होनी चाहिए, हमारा लिंक ऊपर रहना चाहिए, सुई हमारी ऊपर होनी चाहिए भाई। अब उसके बाद में हम देखो ऐसे ऊपर हमारा ये नीचे कर लेंगे थोड़ा, ऐसे देख लो गाइस मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। भाई देखो मैं आपको पैर ये ना सेफ करना बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई जी हमारा पैर कहाँ पर आ रहा है, देखो सुई आ रही है हमारी इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारा जो पैर है ना, तो ये जो ना पैर हमारा इधर को जाएगा, इधर को जाने के लिए हम क्या करेंगे गाइस मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो अब हम क्या करेंगे, हमने पैर ये पेच हमने खोल दिया है, पैर हमने बाहर निकाल दिया गाइस, ठीक है। ये जो पैर का जो है ना हमारा थोड़ा सा इधर है, इस साइड में बाहर को ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको पीछे को यानी इस साइड में करेंगे। तो इस साइड में करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, हमें जो ना ये पैर को देखो ऐसे पैर पर उंगली लगा लेनी है, और उसके बाद इसे ब्रैकेट को नीचे लेके आना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पैर का जो मुड़ेगा ना गाइस, तो पैर का हमारा ऊपर करके मोड़ेंगे हम इसको, ऐसे ऊपर करके मोड़ेंगे। देखो गाइस ये इतना ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम गोडे से पे इसको ब्रैकेट को उठाएंगे तो कि इतना ऊपर तक आएगा आराम से। अगर हम नीचे ही पैर का जगह नीचे होता, अगर हम चोट मारते तो गाइस वो टेढ़ा तो हो जाता, फिर अगर हम गोटे से इसको उठाते तो पूरी तरीके से ऊपर उठता नहीं, तो हम कभी भी चोट मारेंगे ना गाइस, तो इसको पैर का से ऊपर करके ही मारेंगे ऐसे, ठीक है गाइस। देखो ऐसे करके हमें पैर का मोड़ना है ये, तो फिर उसके बाद में जब हम पैर का लगाएंगे, पैर लगाएंगे तो इसको देखो ऐसे नीचे कर लेंगे, नीचे करके फिर ऐसे ही टाइट करेंगे इसको, फिर चेक करेंगे गाइस कि हमने कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया, हमने कम तो नहीं कर दिया, कम है ज़्यादा है फिर हमें देख कैसे चेक करना गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस हमारी चोट ना ज़्यादा लग गई है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो गाइस हमारी जो चोट है ना ज़्यादा लग गई है, देखो हमारी सुई
अब इधर आ रही है, अब हमारी सुई इस इधर आ रही है, तो हमें थोड़ा सा और अब ये बाहर को निकालना है। यानी जैसे हमने इधर को मारी थी ना चोट, हमने इधर को मारी थी, इधर को चोट मारी थी हमने, अब गाइस हम इधर से मारेंगे चोट यहाँ से। ये वो सेम वही कंडीशन होगी, पैर का इसको ऊपर करेंगे और यहाँ से हथौड़ी से मारेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मारते हैं। देखो गाइस मैंने पैर का ऊपर कर दिया है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे पकड़ूंगा, यहाँ से ऐसे ऊपर को उठाऊंगा, ब्रेक लिफ्टर को ऊपर उठाऊंगा और यहाँ से ऐसे चोट मारूंगा हल्की सी। ठीक है गाइस, ये इसका तरीका है अंदर बाहर मोड़ने का। लेकिन जब भी हम कभी मोड़ेंगे तो पैर का जमाना ऊपर ही होना चाहिए। तो गाइस देखो हमने ये सुई हमारी अब बीच में आ गई, देखो ये हमारी सुई बीच में आ गई देखो। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है गाइस, देखो गौर से देखना, देखो सुराख के पीछे जगह है ना, इसमें देखो है ना कितना पीछे है ये पैर हमारा, ये ज़्यादा पीछे है इधर को, ये पैर हमारा थोड़ा सा इधर को ज़्यादा है। तो हमारा जो सुराख दिखाई दे रहा है, देखो सुराख के जो हमारे पटरी का सुराख है गाइस, देख सकते हो आप, देखो पटरी का सुराख है ना, ये पैर का जो हमारा थोड़ा पीछे है, पीछे की यानी पटरी की पीछे वाली झीरी की, यानी ये जो है ना ये ऐसे ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये पीछे से दिखाई दे रही है। तो हमें पैर जो है ना, पैर का जो हमारा आगे को आएगा तो ये बिल्कुल सही दिखाई दे, ऐसा लगेगा सेट होगा ये समझ लो। आप देख सकते हो देखो इसके अंदर जो सुराख है ना, हाँ ये देखो है ना। तो हमें जो है ना पैर का इसको आगे करना, सेम वही कंडीशन होगी, हम पैर का इसको ऊपर उठाएंगे फिर इधर से इसमें चोट मारेंगे। मैं दिखा देता हूँ कैसे मारते हैं। तो गाइस देखो हम जब इसे पैर का इसको मोड़ेंगे तो एक मशीन हमारी ऐसे लिटा देनी है, और लिटाने के बाद ऐसे हम इसे, मैंने पैर का ऊपर कर लिया था गाइस पहले ही, तो इसको लेकर हम ऐसे चोट मारेंगे। आपको दिखा देता हूँ चोट कैसे मारते हैं। तो गाइस देखो ये कंडीशन है इसकी, मैं इसको ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ और ऐसे चोट मारेंगे। ठीक है, ये तरीका से चोट मारने का गाइस, हम दोबारा कस के देखेंगे पैर का जब। तो देखो गाइस ये तो सेट हो गया, ये तो है ना, ठीक है बिल्कुल सही है गाइस। अगर हमारा ये पैर, ये तो अभी था इधर, तो हमने इधर से चोट मारी गाइस। ठीक है, अगर ये इधर होता तो हम क्या करते गाइस, पेच खोल के पैर का इसको बाहर निकाल के इसको ऐसे उठा के और इस पेच को ऐसे मोड़ लेते ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके इसमें चोट मारते, या फिर इसे इधर को घुमा के तो यहीं से मारते। ठीक है, घुमाना पड़ेगा इसको, यानी ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा तो जब इसमें हम चोट मारते। ये इसके दो तरीके हैं गाइस, जिस तरीके से इसको सेट करा जाता है। तो गाइस ये तो सेट हो गया, अब मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो गाइस देखो ये जो जब हमने इसको सेट कराया तो हमारी जो ना पूरी चुटकी नीचे जा रही है ना, गज नीचे जा रहा है, गज नीचे जाएगा तो इस पैर में लगना नहीं चाहिए, इसका मिलान है गाइस, ये इतना इसके ऊपर रहेगा, यानी जहाँ तक ये गज नीचे जा रहा है इसका हल्का सा नीचे रखना 19-20, जो हमारी पैर के अंदर चुटकी ना लगे। अब देखो ये फिर चल भी रहा है और ये सेट भी हो गया। अब हम इसका पेस्ट टाइट कर देंगे गाइस, यहाँ से जो हो गया सब पेस्ट टाइट, ये सेट हो गया पैर हमारा। अब क्या करेंगे वो आगे बताते हैं गाइस। ये है इसकी चमचा पत्ती, इसको क्या थोड़ा सा हम बांख में बांध के ऐसे ऐसे बांध के इसको और इसके इधर को थोड़ा सा मोड़ देंगे गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने कैसे मोड़ी है गाइस, इस तरीके से अपनी तरफ मोड़नी है। ठीक है गाइस, ये इसका पेच है, देख सकते हो आप, ये इस चमचा पत्ती के अंदर लगता है ये पेच है इसका। तो गाइस इसको हम लगा देंगे और उसके बाद में इसको सेट कर देंगे गाइस। ये देखो ये चमचा पत्ती नाम है इसका, इसको ऐसे लगाते हैं और गाइस काम के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली समझना है। देखो गाइस ये जो हमारा स्प्रिंग है इसको यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे, देख सकते हो आप ये ऐसे लग गया हमारा। ठीक है, तो देखो कितना आसान था ये चमचा पत्ती बनाना गाइस, इस चीज़ का याद रखना कि ऐसे लगता है। देखो हमारा पैर का नीचे होगा, हमारा पैर नीचे का होगा और ये इसके सीध में ऐसे लगेगा, देख सकते हो ये कितना ऊपर है, ये ज़्यादा देखो ऐसे नहीं रखना, ज़्यादा ऊपर है ना, ज़्यादा नीचे नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा इसका तरीका लगाने का। ठीक है गाइस, ये होगी चमचा पत्ती गाइस, ये इसका एल तार है, देख सकते हो आप ये एल तार, यहाँ पर पेच खुलेगा हमारा थोड़ा सा और ये यहाँ लग जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा गाइस, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो इतना नीचे रहता है गाइस ये। तो गाइस हमारा हो गया ये पैर का सुई लाइन वाइन सीधी हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे सेट बांधना। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो गाइस तो उसमें समझ में नहीं आ गया, इसलिए छोटे छोटे ब्लॉग में आगे से बनाऊंगा। ठीक है, तो गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो मैंने आपको जितना भी काम से इसमें बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों इससे आगे मैं छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें आप जल्दी 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 बताना पड़ता है। तो दोस्तों मैं छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें आपको एक एक पुर्जा लगाऊंगा, उसको समझाऊंगा बारीकी से।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों हमारे इसको शेयर करो आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेचारे लोग हैं जो काम सीख रहे हैं, कई साल हो जाते हैं उनको और कोई काम सिखाता नहीं है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर करें आप। तो ठीक है, मैं रखता हूँ और आप मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।